So hello, what's up guys? Welcome back to another new video of our Sword and Shield journey, जहाँ पे हम लोग champion बनने की राह पे निकल चुके हैं as a red. तो जी हाँ guys, जैसे कि आपने पिछले वाले episode में देखा होगा, जहाँ पे हम लोग ने actually survive किया था 500 years तक, जहाँ पे हम लोग ने हमारे दो trainers को हरा दिया था, जो कि था fire type and fighting style. तो आज हमारा target रहने वाला है fairy type. तो यस गाइस, फेरी टाइप मैच लेते ही हम लोग हमारी जो वर्ल्ड चैंपियन लीग है वहां से हम लोग कुछ ही कदम दूर होंगे. तो यस गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं भाई वीडियो की तरफ, जहां हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 days. बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं. तो मैं जैसे कि स्पॉन हुआ था हमारे जगह पे, तो आप देख सकते हो ये रहा फेरी टाइप जिम एरिया, जहाँ पे अभी मैं सीधा ही गया हमारे पहले नर्स जॉय के पास हमारे पोकेमॉन्स को हील करवाने के लिए, क्यों मैं देखना चाहता था कि भाई हमारे पोकेमॉन फाइटिंग से पहले थोड़े से वेल डेवलप्ड हो और थोड़े तगड़े हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ और नए पोकेमॉन्स भी देख लो यार, हम लोग ने पकड़ चुके थे. हमारा हो गया रिक्वासा, पालकिया, थोड़े कुछ अच्छे हाई लेवल अप कर दिए थे. पर आज की सीरीज के अंदर हम लोग वो भी देखने वाले हैं कि भाई कोई अच्छे नए पोकेमॉन मिल जाए तो हम लोग जरूर पकड़ेंगे. फिर वहां से पोकेमॉन को हील करवाते ही सीधा मैं चला गया था हमारे पोकेमॉन जिम मैच के लिए, जहाँ पे हम लोग को हमारी एक दोस्त मैरनी मिल गई. उसने बोला कि भाई उसने तो बैच ले लिया है, बट तेरे को मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी जल्दी आ जाएगा. एंड ऑलरेडी तेरे पास खासे अच्छे बैच हो चुके हैं, तो मेरे को अब तेरे से डर लग रहा है. बोला ठीक है, तू डरते ही रहे. और मैं यहाँ से निकला पहले तो यूनिफॉर्म चेंज करने, क्योंकि मेरे को बात करनी है, जाना है. तो मैं जल्दी जल्दी गया भाई हमारे यहाँ पे, उनसे मैंने बात की. तो उन्होंने बोला कि आप जिम के चैलेंज के लिए, तो आपकी यूनिफॉर्म चेंज करके सीधा अंदर चले. तो गाइस, मैं जैसे अंदर गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो ओपल है वो एक्चुअली यहाँ की जिम ट्रेनर है, और यहाँ का जो जिम मशीन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ओपल जो है वो जिम ट्रेनर से अब रिजाइन लेने वाली है और ये जिम जो है वो किसी और को देने वाली है. इसके लिए वो यहाँ पे इंटरव्यूज ले रही है इन द फॉर्म ऑफ बैटल्स एंड क्वेश्चन. तो जी हाँ गाइस, ये अब हम लोग को कम्प्लीट करना पड़ेगा. तो जैसे ही हम लोग का फर्स्ट बैटल हुआ, मैंने मोस्टली यार यहाँ पे अधिक पर क्लिप स्किप कर दिए, क्योंकि ज्यादा मैं बैटल दिखाना नहीं चाहता था. और यहाँ पे सीन ऐसा था कि आप लोग ने अगर करेक्ट आंसर दिया तो आपके जो पोकेमॉन है उसका जो अटैक्स वगैरह डिफेंस वगैरह जो भी होगा वो डबल हो जाएगा, और अगर गलत आंसर दिया तो वो कम हो जाएगा. तो बस जैसे तैसे यहाँ पे हम लोग ने जितने भी ट्रेनिंग का जितना भी सब थे जो बैटल करना था वो सब मैंने कम्प्लीट कर दिया. एंड मैं जीत गया. एंड उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये अकेला नहीं था, एक्चुअली मेरे को ओपल को भी हराना पड़ेगा. पर ओपल को हराने से पहले मैंने जितने भी पोकेमॉन्स के जितने भी चीजें यूज करी थी उनको मैंने पहले से रेस्ट किया, उनको लेवलअप किया, उनको हील किया. हील करने के बाद मैं सीधा चला गया फिर वापस ऐसा बैटल फॉर ओपल के पास, क्योंकि मुझे चाहिए था फेरी जिम बैच. तो अब देखते हैं भाई कि फेरी जिम बैच कैसा होता है, कितना मेरे को टाइम लगेगा इसको जीतने में. यहाँ पे मैंने ओपल से थोड़ी बहुत बातचीत करी. ओपल ने बोला कि यार हाँ, मैं ये सब इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अब रिजाइन ले चुकी हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी हूँ और मेरे अलावा कोई आ नहीं रहा, तो मैं हार जाऊंगी. फिर उसके बाद देखते कोई और तगड़ा वाला आ जाएगा. तो बस फिर ऐसे करते करते धीमे धीमे मेरे इटर्निटस ने ऑलमोस्ट इसके 2-3 पोकेमॉन ले लिए थे. एंड यार जैसे जैसे हो रहा था यहाँ पे, एंड ऑलमोस्ट कुछ ऐसे पोकेमॉन थे जो वन शॉट जा रहे थे, बट इनके पास कुछ ऐसे भी पोकेमॉन थे जो इटर्निटस को बहुत ही ज्यादा ही तगड़ी भाई फाइट ली. जैसे कि ये पोकेमॉन, इसका एक्चुअली में नाम मेरे को नहीं पता, इसका नाम था यूनिक्स, बट आई डोंट नो ये किस टाइप का पोकेमॉन था, बट ये जस्ट डिट्टो कॉपी लग रहा था अपने म्यू की. बट हाँ भाई, देखने जा तो ये काफी तगड़ा था, क्योंकि इसने इटर्निटस को बहुत ज्यादा ही तगड़ी फाइट दी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा इटर्निटस भी जो था उसके ऑलमोस्ट सारे मूव्स कंप्लीट होने आ चुके थे, बट यार एट द एंड भाई इटर्निटस है, उसने पूरा ही 2 मूव के अंदर उसको खत्म कर दिया था. फिर मैंने सोचा पालकिया को निकाला जाए, तो पालकिया को जैसे निकला ये फाइनल बैटल में, मैंने उसको डायनामैक्स किया. और ये देखने जाए तो मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट डायनामैक्स फाइट थी, क्योंकि भाई यहाँ पे एट दी एंड हम दोनों के डायनामैक्स खत्म हो चुके थे, एंड फिर भी उनका और ना ही मेरा, दोनों का, हम दोनों का पोकेमॉन डाउन हुए ही नहीं थे. बट कोई ना, देख लो भाई डायनामैक्स फाइट हमारी कैसे हुई और किस तरीके से. डायनामैक्स फॉर्म के अंदर गाइस, मैं जितना हो सका मैंने नकल पंच वाटर पंच वगैरह सब मारे, बट स्टिल उसका पोकेमॉन नहीं मर रहे थे ना ही मेरा. हम दोनों की हेल्थ एकदम इक्वली मिड पे आ चुकी थी. फिर पता चला कि भाई हम दोनों का डायनामैक्स जो था वो कंप्लीट हो चुका था, यानी अब हमारे पोकेमॉन और ज्यादा डायनामैक्स में नहीं कर सकते. बट भाई यही सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसका पोकेमॉन जो था वो काफी तक. फिर उसके बाद भाई जैसे तैसे मैं एट दी एंड 3 मूव मारने के बाद फाइनल मूव मारा, जिसके थ्रू उसका जो पोकेमॉन था, हमारे जो पोकेमॉन जिम ट्रेनर है, उनका पोकेमॉन फेंट हो गया. भाई लिजिट भाई, ये वाली फाइट ने मेरे को काफी ज्यादा सीरियसली. फिर एट दी एंड गाइस, उसका फाइनल पोकेमॉन जो था फेंट आउट हो चुका, एंड मुझे मिल चुका था बाद में एक फेरी जिम.
और वो देने से पहले भाई ऊपर जो है वो भाई टेंशन भाई टेंशन लगा भाई ये कैसे हो गया भाई, मैंने नहीं सोचा मैं इतने इसी तरीके से हार लूंगी, बट यार मैम आप हार चुके हैं। तो यहाँ पे गाइस इन टोटल हमारे पास हो चुके थे 5 बैच, दैट मींस अब जिम मतलब जो वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग है उसके अंदर जाने के लिए मेरे को चाहिए 3 मैच। बट जैसे ही मैं जिम के बाहर निकला तो उपल जी ने मुझे बोला कि यार जब तू कहाँ जा रहा है, अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ चल जा, मैं भी वहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे को और नए ट्रेनर्स ढूंढना। तो मैं बोला ठीक है चलो वहीं चलता है। फिर मैं भाई यहाँ से जो फेरी प्लेस है वहाँ से फिर मैं उपल के साथ निकल गया हमारे हैमलॉक के साइड, क्योंकि हैमलॉक की एक एरिया है जहाँ से मेरे को जाना पड़ेगा रूट सेवन से मेरे को जाना पड़ेगा रूट एट, एंड रूट एट के बाद मेरे को जाना पड़ेगा रूट नाइन जहाँ पे एक अलग जिम है। फिर जैसे ही मैं वहाँ हैमलॉक के पास पहुंचा तो वहाँ पे मेरे को देखने को मिल गया, मैं अपने साइकिल लेके ही जा रहा था तो वहाँ पे देखने को मिल गया मेरे को वापस सोनिया, पर सोनिया मिलने से पहले मैं एक्चुअली वहाँ पे मिल के आया अपने जो मेयर के साथ जो काम करता था, जिसके जो मतलब बेचारा जिसका सब चीज ले गया, बट हम लोग बातचीत कर ही रहे थे और वो स्टिल अपने अकड़ और एटीट्यूड में था। पर वहाँ पे ऊपर अगेन आ गई और वो बोल रही थी भाई मेरे को मिल गया मेरा जिम संभालने वाला। तो या अब ऊपर जी बोल रहा है कि ये जो बंदा है ये बनेगा फेरी जिम का लीडर। सीरियसली इसकी शक्ल देख लो यार, लग रहा है ये कोई एंगल से जिम ट्रेनर बन, बट कोई ना। फिर हम लोग थोड़ी बातचीत कर रहे थे, उपल जी ने समझाया क्यों वगैरह, फिर उसके बाद उपल जी जो है उनको लेके चले गए। एंड उसके बाद मैं अगेन मेरी साइकिल लेके मैं चला गया रूट एट की तरफ, पर वहाँ जाने के लिए पहले तो मैप देखना था क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट मैप पता ही नहीं है भाई यहाँ का, ठीक है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरी। तो फिर साइकिल लेके मैं सीधा जा रहा था अगेन सोनिया मिल गई, एंड सोनिया से हम लोग बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पे पता नहीं क्यों पर ये बोल रहे थे रिसर्च करना है इसको अगेन स्वॉर्ड एंड शील्ड पे। बट हम लोग बात हो ही रही थी वहाँ पे अचानक से एक आवाज आई एकदम अर्थक्वेक जैसी, जो कि मुझे भी पता नहीं था कि वो किस बात का था। बट उसके बाद मैंने सोनिया को जब पूछा तो सोनिया ने मेरे को बोला कि जो हैमलॉक है वो एक्चुअली अगर देखो जो मेयर उन्होंने बताया था कि वो स्टारडस्ट के थ्रू पावर अप करता है, तो अगर वो अभी अगर वो फूट गया वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई है दैट मीन्स अगर वो उसकी पावर बाहर आई तो यहाँ पे जितने भी लोकल पोकेमॉन से जो डायनामैक्स हो सकते हैं वो लोकली डायनामैक्स करेंगे, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। एंड वो वहाँ से निकलने ही वाली थी उसी बात वहाँ पे हमारा जो चैम्पियन है जो लियो है वो भी आ गया था यहाँ पे उसकी हेल्प करने के लिए। तो मैंने बोला कि मैं नहीं आ रहा, लियो आ गया तो आप चले गए उनके साथ। फिर वो दोनों चले गए एंड फिर मेरे को होप मिल गया। होप ने बोला कि भाई अकेला अकेला कहाँ ही जा रहा है यार, ऐसा करेगा दोस्त नहीं है तू मेरा रहा बनती है। उसने बोला कि कोई ना चल मैं तेरे को बताता हूँ रूट 7 कहाँ पे है कहाँ से जाना है। फिर मैं उसके पीछे चला गया एंड मैं लिजर्ड भाई मैंने गलती भरोसा कर दिया उस बंदे पे, वो लिजर्ड मेरे को अकेला छोड़ के भाग गया वो भी रूट 7 के अंदर। एक्चुअली ये रूट 7 हम लोग ने तो क्रॉस कर ही दिया था, बट ये एक्चुअली रूट 8 है जहाँ पे मेरे को यहाँ पे टोकक्की का एक इवॉल्व वर्जन देखने को मिल गया था जो कि था टोगेटिक, ठीक है जो कि फेरी टाइप बहुत सही तगड़ा पोकेमॉन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पकड़ा जाए क्योंकि यार ये एकदम लाइट वाला है, तो मैंने क्रिकेट बॉल लगा उसी बात में आ गया फर्स्ट ट्राई के अंदर मतलब एकदम अच्छे बच्चे की तरह। फिर उसके बाद हम लोग रूट इनके पास आ चुके थे जो कि था आइस पर। अब यहाँ पे एक जिम है वो हम लोग को जीतना है, पर वो जीतने से यहाँ पे मैं जैसे यार यहाँ पे जीत रहा था तो मैं सोचा क्यों ना भाई इसको पकड़ा जाए। Yes guys, सारे रची ड्रैगन को मैंने पकड़ने के लिए काफी तगड़ी मेहनत करी, पर एक भी बार रची ड्रैगन मेरे पास नहीं आया क्योंकि भाई सीन ये हो रहा था कि हमारे पोकेमॉन जो थे वो इतने ज्यादा तगड़े थे कि वो एक हिट में ही मार देते थे। फिर अंदर जैसे आया तो यहाँ पे मेरे को पता चला कि सोनिया यहाँ पे भी आ चुकी है और यहाँ पे मेरे को उसकी हेल्प करनी है एज थोड़ा पता नहीं यहाँ पे कुछ है, तो उसने मेरा बोला ठीक है, बट उसने बोला कि पहले जिम बैटल जीत के फिर हेल्प करना। बोला ठीक है तो अभी तो मैं करनी है हमारा, तो मैं यहाँ से चला गया अपने नर्स के पास जहाँ पर मैंने हमारा पोकेमॉन हील करवाया एंड एग्जैक्ट हील करवाने के बाद गेम में चला गया रेजी ड्रैगन को पकड़ने के लिए। फिर मेरे को लगा कि यार काश आ जाए, बट या वो काश में ही हमारी गलती हो गई क्योंकि वो रेजी ड्रैगन आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि भाई पता नहीं क्यों वो एकदम जा ही रहे थे मतलब उनका आना ही नहीं था। फिर मैं ज्यादा बोर हो गया, उसके बाद हम लोग हमारे पुरानी वाली जगह पर चले गए जो कि था फियर फॉरेस्ट, जहाँ पे जाते ही मेरे को हमारे को मिल गया क्राउड, जो कि अगर आप लोगों को पता हो ये भी एक टाइप ऑफ लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि फायर के लिए जाना जाता है। तो ये 50 लेवल का था तो यहाँ पे मैं अपने ज्यादा अटैक्स नहीं कर सकता था क्योंकि एक अटैक और वो बनना बच जाएगा, बट या मैंने जैसे ही 2-3 बॉल डाले हमारे अल्ट्रा बॉल लाइक अल्ट्रा बॉल काफी स्टॉक में लेके रखा था क्योंकि मैं अब ज्यादातर ट्राई कर रहा हूँ कि सारे पोकेमॉन को अल्ट्रा बॉल के अंदर ही पकड़ू, बट यार 2-3 बॉल डालने के बाद अपना जो प्रॉब्लम है वो भी आ चुका था। एंड अब मेरा काम यही रहता है कि मेरे को उसको करना है लेवल अप, फिर मैं थोड़ा आगे निकल गया क्योंकि मैं देखा था कि यहाँ पे भी और कुछ नहीं है
पोकेमॉन सूट है एंड मैं यहाँ पे आया तो मेरे को पता चला कि यार हमारा एक और मशीन यहाँ पे रिमेनिंग करता है जो कि है मेरे को एक मैक्स मशरूम लेके जाना है हमारे जापानीज हाउस में जहाँ पे मुझे वहाँ से कुछ एक एक्स्ट्रा आर्बर मिलने वाला है जो कि मेरी हेल्थ या तो कुछ भी पता नहीं मेरे को वहाँ का इन्फो पता नहीं है बट हाँ कुछ है वहाँ पे जो अच्छी चीज़ है ठीक है तो वो मेरे को चाहिए बट मैं जैसे ही आगे चला था वहाँ पे मेरे को मिल गया रेजी लेके जो कि रेजी ड्रैगन का भाई है बट ये इलेक्ट्रिक टाइप है दो चुके हैं जो की ग्राउडॉन एंड रेजी लिकी फिर उसको लेने के बाद मैं सीधा चला गया गिल के अंदर जहाँ पे मेरे को मैक्स मशरूम मिल गया था बट मैं जैसे ही उसको लेने गया तो वहाँ पे एक और नमूनी आ गई अगर आप लोगों ने आगे वाले एपिसोड हमारे देखे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ये नमूनी कौन है सीरियसली भाई इसको ना लड़ना आता है ना ही कुछ करना आता है बस सिर्फ फेंकना आता है पता नहीं क्यों बट हाँ मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये मशरूम मैं ही लेके जाने वाला हूँ और मैं ही देने वाला हूँ बट इसने बोला कि नहीं पहले फाइट कर मेरे से अगर तू जीत गया तो तू लेके जाना अदरवाइज मैं लेके जाऊँ ठीक है आ जा भाई तो हम लोग ना फाइट करी गए पता ही आप लोगों को क्या हुआ वो हार गई एंड मैं मशरूम लेके चला गया हमारे जापानीज हाउस में जहाँ पे मेरे को एक्चुअली जाना था और वहाँ पे एक अंकल है उनसे मेरे को लेना था स्पेशल आर्म और मुझे ये पता नहीं मशरूम का क्या काम है भैया मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि एक्सेप्ट मी यहाँ पे हर कोई फेल हो चुका था किसी को ये नहीं फिर मैंने मशरूम दे दिया और मुझे पता चला कि भाई ये मशरूम का खाना बनने वाला है जिसका नाम है मैक्स मशरूम स्टू अगर आपको ना पता हो तो वो सूप है ठीक है तो वो यहाँ पे बनने वाला है जापानीज के अंदर काफी ज्यादा डिशेस चलती है इसके या फिर मैंने वो मशरूम दे दिया उसके बाद मैक्स मशरूम स्टोव बन गया मुझे पता चला कि भाई ये लेजेंड एकदम डायनामैक्स की तरह ही दिख रहा था अगर आप लोगों को पता हो डायनामैक्स के जो पोकेमॉन होते हैं उनके ऊपर क्लाउड आ जाता है वैसे ही सेम यहाँ पे सीन था तो हमने फटाफट खा लिया एंड बाद में मुझे पता चला कि भाई इससे आपकी एनर्जी रिगेन एंड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है हाँ बस आप डायनामैक्स नहीं होते ठीक है फिर उसके बाद गए अब बारी थी फाइट की जो कि थी फाइनल फाइट मेरे और उस लड़की के बीच में क्योंकि वो भी पास हो चुकी थी तो यहाँ पे सीन था ये कि जो अगर एक बंदा पास हो तो उसको डायरेक्टली आर्मर मिल जाएगा अगर दो पास हुए तो इन लोगों को फाइट करनी पड़ेगी फॉर दैट आर्मर एंड आई डोंट नो कि भाई उस आर्मर में ऐसा तो क्या है ठीक है तो हम लोग फाइट करने से पहले लड़ाई कर मतलब बातचीत कर रहे थे तो बोल रही है कि भाई मैं तेरे को हरा दूंगी और मैं ही वो लेके जाना पड़ूंगा ठीक है यार देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है वैसे ही तेरे को तीन चार बार तो हरा ही चुका हूँ ऑलरेडी तो भाई फिर हम लोग ने हमारी फाइटिंग चालू कर दी और हमारे जो रेफरी थे वो हमारे खुद वो ही यहाँ के मेन जो हेड है वो ही रहने वाले थे तो यहाँ पे एक्चुअली बता दूँ तो डायनामैक्स फॉर्म भी हो सकता है ठीक है तो देखते भाई कि ऐसा तो इसके पास कौन सा पोकेमॉन होगा जो मेरे सारे पोकेमॉन्स को बीट कर सकता है क्या लगता है मैं हरा पाऊंगा यस यार गाइस ऑफकोर्स हरा सकता हूँ फिर उसके बाद हम लोग ने फाइनल फाइट मतलब फाइनल फाइट तो कह ही सकते हो तो हमारी फाइनल फाइट आ चुकी है हम लोगों ने उसका वो सारे पोकेमॉन्स को हरा दिए थे और बस अब बारी थी उसके पोकेमॉन की पत्ते और मैं यहाँ पे डायनामैक्स नहीं करने वाला लाइक नॉर्मली रखने वाला तो उसने जैसे ही उसका डायनामैक्स किया मैंने अपना जो जेशन है उसका मैंने क्लोज कॉम्पैक्ट यूज कर दिया क्योंकि देखो जेशन एक टाइप ऑफ पोकेमॉन जो डायनामैक्स नहीं सकता बट क्लोज कॉम्पैक्ट करते ही उसका डायनामैक्स को छोड़ो उसका सब पूरा पोकेमॉन ही फेंट हो गया एंड एट द एंड मैं जीत चुका था दैट मींस अब गाइस जो मेन चीज होने वाली है जो मेन जो आर्मर है वो मेरे को मिल रहा अब क्या लगता है मेरे को लेजेंड नहीं पता कि आर्मर है क्या और क्या ये मेरे फाइट में काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा मुझे नहीं पता बट गाइस फिर मैं जैसे उसके पास गया बात करने तो मुझे पता चला कि भाई इस बंदी ने एक्चुअली में चीटिंग करी है बट स्टिल मैं जीत गया एंड या बोलते ना भाई चीटिंग करने वालों का से कोई एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है बट हाँ मैं जीत गया एंड मैंने ट्रायल पास आउट कर दिया था एंड मास्टर डोजो जो है जो तेरा आर्मर है वो मेरे घर पर बना है तो वहाँ पर आके मिसल मिल के ले सकता तो भाई मैं जैसे वहाँ पे गया तो या पहले तो उनसे घूमा मैंने उनसे बात की एंड मुझे पता चला कि वो एक्चुअली में आर्मर नहीं है जो कि मैं पहन सकता हूँ वो एक्चुअली में एक पोकेमॉन है जो कि है फाइटिंग स्टाइल पोकेमॉन सीरियसली यार मेरे को लगा कि ये आर्मर होगा जो मैं अपने पोकेमॉन को दे पाऊंगा और उनकी हेल्थ और डिफेंस बढ़ा पाऊंगा बट कोई ना फिर मैंने जैसे पोकेमॉन देखा तो भाई जैसे भाई ये काफी ज्यादा क्यूट पोकेमॉन था और मैं इसका जो इवॉल्व वर्जन होता है फाइटिंग स्टाइल में वो पोकेमॉन काफी तगड़ा है तो मैं ट्राई करूंगा इसको इवॉल्व करने के लिए बट देखने चाहते हूँ ये मेरे को पता चला कि ये जो पोकेमॉन है ये एक्चुअली में बहुत तगड़ा पोकेमॉन है एंड बहुत काफी टाइम से ट्रेनर को ये चूज नहीं कर पाया तो मुझे लगता है कि ये तुझे कर लेगा जैसा मेरे साथ फ्रेंड्स बन गए हम लोग पर मेरे को पता था कि ये थोड़ा शाई पोकेमॉन है मेरे को यहाँ पे प्रॉमिस भी करना पड़ा कि भाई मैं इसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा साथ ही साथ इसको हर एक जिम बैटल की इसको एक्सपीरियंस दूंगा एंड इसको इवॉल्व भी करूंगा
तो दैट्स इट फॉर द टुडेस वीडियो गाइस. आज की वीडियो हम लोग यहां एंड अप करते हैं विद द थ्री न्यू पोकेमॉन्स इन सार आवर बैग. बट हां, अभी हमें और भी तीन नए बैजेस चाहिए फॉर द बिकमिंग अ वर्ल्ड चैंपियन. तो इस वीडियो का लाइक करने वाला 40 का ऑप्शन प्लीज चेक कर दोगे. स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड एंड हो सकता है गाइस मेंबरशिप जरूर लेना. चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड गाइस. टिल देन लव यू ऑल. सी यू टाटा एंड बाय-बाय.